अस्सलाम वालेकुम व्यूज़, मैं हूँ अजीम सागर। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल अजीम सागर ब्लॉग के नाम से। मुहर्रम अल हराम की रंजीदा घड़ियाँ जो है वक्त की नब्ज़ को मदहम कर देती हैं और हर कोई जो है वो नमाज़ रसूल के गम में मुबला होता है। कहीं लंगर व न्याज का सिलसिला जारी है, कहीं मातम जारी और कहीं जंजीर जारी और कहीं मजालिस का सिलसिला भी जारी है। इस वक्त मैं मुमताज़ाबाद मुल्तान में मौजूद, जहाँ पाकिस्तान की सबसे बड़ी देग, मेरा कैमरामैन आपको दिखा सकता है, पाकिस्तान की सबसे बड़ी देग जो है वो इसमें हलीम तैयार किया जाता है। 200 मन से ज़ायद जो है वो इसमें हलीम तैयार किया जाता है, जिसमें मुख्तलिफ लवाजमात, जिसमें दालें हैं मुख्तलिफ और घी है, मुख्तलिफ मसाला जात हैं और इसके अलावा जो है वो गोश्त भी इसमें डाला जाता है। आवाम भी जो है वो हलीम की देग जो है वो बिल्कुल तैयार है और 15 से 20 मिनट के बाद जो है वो तकसीम इसकी जारी हो जाएगी, तकसीम जो है वो शुरू कर दी जाएगी। आवाम ना सिर्फ जनूबी पंजाब बल्कि सिंध से भी, अभी हमारे लोगों से बात हुई है, सिंध से भी लोग जो है वो इस हलीम को लेने के लिए आए हुए हैं। अब देख सकते हैं कैमरामैन मेरा आपको दिखा रहा है, एक तांता बना हुआ है लोगों का एक तांता बना हुआ है इस हलीम के लिए और लोगों का ये अकीदा है कि इस हलीम में जो है वो शिफा है। हज़रत बाबा फरीद के नाम से ही जो है वो हलीम हर साल तैयार की जाती है। 15 साल से ये हलीम तैयार की जा रही है, 200 मन से ज़ायद जो है वो आज इसमें हलीम तैयार किया गया है। ये दुनिया की दूसरी जबकि पाकिस्तान की सबसे बड़ी जो है वो देख है। वो कैमरामैन से कहूँगा इसके मनाजिर जो है वो दिखाने की कोशिश करें, क्योंकि थोड़ा हाइट पे है और कैमरे की पहुँच से थोड़ा दूर है, लेकिन कोशिश करते हैं आपको इसके मनाजिर दिखाने के। इस वक्त हलीम जो है वो बिल्कुल पक कर तैयार हो चुकी है, 15 से 20 मिनट बाद जो है इसकी तकसीम शुरू कर दी जाएगी। लोगों का एक तांता बंधा हुआ है जो उनके मानने वाले हैं, जो अकीदेदार हैं, वो इस हलीम को लेने के लिए और यहाँ बैठकर खाने के लिए मौजूद है। और अब जो है वो दुआ का सिलसिला शुरू हुआ है, ख़त्म के बाद जो है वो दुआ का सिलसिला शुरू हुआ है। दुआ के फौरन बाद जो है वो तकसीम का अमल शुरू होगा, जैसे कि आप देख रहे हैं फुटेज में कि हलीम की तकसीम का जो मरला है उसे शुरू कर दिया गया है। इसमें खासी मैन पावर की जो है वो ज़रूरत होती है, ज़ाहरी बात है 200 मन से ज़ायद जो है वो हलीम तैयार की गई है, फिर उसे तकसीम करना भी एक अपने आप में ही एक इम्तहान कह सकते हैं। और ये देखिए मनाजिर में आपको दिखा रहा हूँ हलीम की तकसीम के, दुनिया की दूसरी जबकि पाकिस्तान की सबसे बड़ी जो है वो देग है, जिसमें 200 मन से ज़ायद आज 10 मुहर्रम हराम को जो है वो हलीम तैयार की गई है। और अब उसकी तकसीम का जो सिलसिला है वो शुरू हो चुका है, न सिर्फ मुल्तान जनूबी पंजाब बल्कि सिंध से भी लोग जो है वो इस हलीम को खाने के लिए और इस लंगर के लिए लेने के लिए जो है वो आते हैं। हलीम की तकसीम का सिलसिला शुरू हो चुका है, देख सकते हैं लोगों का एक तांता बंधा हुआ है जो अपने बर्तन और मुख्तलिफ बर्तन और शापर, इवन डैट के शापर में भी लोग यहाँ से ले कर जाते हैं हलीम, यहाँ बैठ के खाते भी हैं और यहाँ से जो है वो तकसीम भी की जाती है। लेडीज़ जो सेशन है वो एक दूसरी साइड पर है और लेडीज़ में भी जो है वो चंद मिनटों बाद इसकी तकसीम का जो सिलसिला है वो शुरू कर दिया जाएगा। और इसमें ये वो मनाजिर आप देख रहे हैं, 200 मन से ज़ायद जो है वो देख तैयार कर ली गई है और अब चंद ही मिनटों बाद जो है वो लेडीज़ वाली साइड पर भी इसकी तकसीम का सिलसिला शुरू कर दिया जाएगा। पाकिस्तान की सबसे बड़ी देग है ये हलीम की और दुनिया की जो है वो दूसरे नंबर पे ये बड़ी देग आती है, जो मुल्तान के इलाके मुमताज़ाबाद में मौजूद है। दूसरी साइड पर भी जो है वो तकसीम का सिलसिला शुरू कर दिया गया है हलीम की। बहुत बड़ी तादाद में लोग जो यहाँ जमा हुए थे, ख़ासा इंतज़ार भी करना पड़ा लोगों को और मुल्तान की गर्मी तो ज़ाहिर बात है मुल्तान में बहुत ज़्यादा गर्मी है, इसके बावजूद भी लोगों ने इंतज़ार किया इस हलीम का। ख़ासा इंतज़ार के बाद जो इंतज़ार की घड़ियाँ हैं वो ख़त्म हो चुकी हैं और तकसीम का अमल जो है वो हलीम की तकसीम का अमल शुरू हो चुका है। और आखिर में एक रिवायती बात जो मैं वो कहता चलूँ कि चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके हौसला अफज़ाई कीजिए ताकि ऐसी वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें।